Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Insta Forex, best forex broker in Asia. Account verification process. Aaj ka ye topic hamare hisse mein aaya hai. Insta Forex pehla lafz likha gaya hai ki Asia ka sabse acha broker hai. दूसरी बात है कि वेरिफिकेशन कैसे करना है. पहली चीज गलत लिखी गई. इंस्टा फॉरेक्स अगर बेस्ट की जगह बैड लिख दें तो आई थिंक गलत नहीं होगा. बैड ब्रोकर इन एशिया. लेकिन चलें जो कुछ ये लिखते हैं इंस्टा वाले लिखते हैं या कोई भी लिखते हैं एक एक पॉइंट से इसको हम बेस्ट कह सकते हैं. एक मिनट, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इंस्टा फॉरेक्स एशिया का बेस्ट ब्रोकर कैसे है. इनकी वेबसाइट को ओपन करते हैं तब भी लिखते हैं हाँ रैंकिंग के हिसाब से अच्छा ब्रोकर है, बल्कि बहुत अच्छा ब्रोकर है. एशिया के अंदर बहुत अच्छा ब्रोकर है रैंकिंग के हिसाब से, और आमाल के हिसाब से बहुत गंदा ब्रोकर है, बहुत बुरा ब्रोकर है. एक काम भी सीधा नहीं, हाई स्प्रेड है, चीटिंग है, स्कैमिंग है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, पेमेंट रोक लेते हैं. $100 से $1000 कमा लें एक दो साल में पेमेंट नहीं देंगे. क्रिप्टो करेंसीज पे ऐसे ऐसे फ्रॉड की हुई हैं कि आई थिंक आप लोगों की सोच भी नहीं है. लेकिन चलें आज जो टॉपिक दिया गया है वो तो करना ही करना है. अगर आपको ब्रोकर्स के हवाले से कोई मसला है तो आप रابطہ कर लें किसी सीनियर से, किसी अच्छे से बंदे से. अगर कोई नहीं है तो हमारे एड्रेस आपके सामने हैं. चलें बात कर लेते हैं कि इंस्टा फॉरेक्स के अंदर हमने कैसे अकाउंट वेरिफिकेशन करानी है. सबसे पहले तनी फॉरेक्स डॉट कॉम हम ओपन करते हैं ताकि एक अकाउंट ओपन कर लें. नो, ये क्या हो रहा है. TaniForex.com इसके ओपन होने के बाद बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर पे क्लिक करें. अगर आप बिगिनर्स हैं और आपने हमारे ट्यूटोरियल नहीं देखे तो अच्छे ब्रोकर आप यूज़ कर सकते हैं. आपकी स्ट्रेटजी आपके प्लान के हिसाब से ब्रोकर होगा. इंस्टा फॉरेक्स की बात हो रही है तो क्लिक हेयर करेंगे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा. 10 मिनट्स ईमेल लगा लेते हैं कागजी तौर पर ताकि आपको आपने इधर से अकाउंट ओपन कर लेना है. ओपन ट्रेडिंग अकाउंट इस जगह पे हमने क्लिक कर देनी है और ओपन ट्रेडिंग अकाउंट पे हमने क्लिक कर देना है. नाम पे रहें, ईमेल एड्रेस आपने रियल काम करना है, फ़ोन नंबर ये किसका है. ओपन अकाउंट ये देखें अकाउंट ओपन हो गया और गो टू हम लॉग इन करते हैं और ये हमारा अकाउंट है. और ये हमारा पासवर्ड है, ये देख सकते हैं. ये देखें अब आपने आना है सिक्योरिटी के अंदर, और सिक्योरिटी के अंदर नहीं आना. इसके अंदर दो चीज़ों जगह पे आ सकते हैं. एक इधर अकाउंट स्टेटस पे क्लिक कर दें नॉट वेरीफाइड है, और इस अकाउंट सेटिंग पे कर दें वेरीफाई अकाउंट. वेरीफाई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा.
इसके अंदर ये आपके सामने दो किस्म के वेरिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स आपने देना है। फर्स्ट नंबर पे आपने आपको जो आईडी कार्ड है उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड, चाहे वो उर्दू में है, चाहे वो हिंदी में है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर है, तो आप किसी भी लैंग्वेज वाला, उर्दू वाला, हिंदी वाला आपने चूज़ फाइल करना है। और चूज़ फाइल करने के बाद आपने इधर से फ्रंट साइड और बैक साइड आपने अपलोड कर देनी है और अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। सेकंड लेवल वेरिफिकेशन में आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास बिजली का बिल होना चाहिए, गैस का बिल होना चाहिए, या ऐसी कोई भी चीज़ जिस चीज़ पे आपका सेकंड डॉक्यूमेंट्स हो, जिस पे आपका एड्रेस लिखा हुआ हो, उसको आप इधर से करके अपलोड कर देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट एक दो दिन के अंदर, तीन दिन के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। अब चीज़ क्या होती है कि इंस्टा फॉरेक्स में एक चीज़ है, ये आप देख सकते हैं, इंस्टा वॉलेट। तो इंस्टा वॉलेट के अंदर अगर आप का पहला लेवल क्लियर है, जो द फर्स्ट वेरिफिकेशन लेवल है, तो आपको $100 एक दिन की वॉलेट की आपकी लिमिट होगी। और अगर आपका सेकंड लेवल वेरिफिकेशन क्लियर है, दोनों लेवल क्लियर हैं, तो आपका जो दोनों लेवल हैं इसमें आपकी अनलिमिटेड आप डेली वॉलेट के अंदर एक दूसरे से सेंड कर सकते हैं। तो जस्ट इजी सी बात है, आप अकाउंट ओपन कर लें, तनी फॉरेक्स वेबसाइट पे जाकर ओपन कर लें और बेस्ट है। और इस तरीके से आपने अकाउंट को ओपन करना है, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं और दो तीन दिन का इंतज़ार करना है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बनता है आप पूछ सकते हैं। एक चीज़, एक सच, एक हकीकत अगर मैं आप लोगों से छुपाऊँ तो आई थिंक ये चीज़ ठीक नहीं होगी। लेकिन चलें, इंस्टा फॉरेक्स ब्रोकर ठीक नहीं है। आयल ट्रेडिंग के लिए हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं इंस्टा के ऊपर। इसके अलावा बाकी इंस्टा के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, आई थिंक आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप तनी फॉरेक्स डॉट कॉम में जाएँ, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर पर क्लिक करें, तो आप इधर से देख सकते हैं लो स्प्रेड, बेस्ट अकाउंट फॉर स्कैल्पिंग 0.6 स्प्रेड है, एवरेज स्प्रेड 1.2 है। तो 1.2 स्प्रेड में आपका ये होगा कि इंस्टा फॉरेक्स आपसे 3 पिप स्प्रेड काटता है और ये 1.2 होगा। इसके अलावा इंस्टा फॉरेक्स के डिपॉजिट विड्रा का मसला है, बहुत लो स्लो सिस्टम है। बाकी ये बहुत सारे ब्रोकर्स हैं स्कैल्पिंग के लिए, हेजिंग के लिए, क्रिप्टो करेंसीज के लिए, या किसी भी हवाले से आप इधर से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप तनी ग्रुप में अकाउंट ओपन करते हैं, ब्रोकर की जानिब से आपको कोई भी मसला बनता है, आपने हमसे कंटेक्ट कर लेना है। कोशिश करेंगे इस बात की कि आपके साथ मसला ना हो, या जो हो गया है वो ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद है इस बात की कि आपको वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसका इल्म हो गया होगा। दो में लाजमी याद रखें, अल्लाह हाफिज़।